हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डाटा को अगर हम गलती से बिना सेव किए क्लोज कर देते हैं तो उसे हम रिकवर कैसे करें। जैसे हमने यहाँ पे ये टाइप किया है, अगर हमें ये काम की चीज़ है और हमने बिना सेव किए इसको क्लोज कर दिया तो इसको हम कैसे वापस लाएं, उसके लिए हमें क्या करना है। यहाँ पे हम जैसे इसको ओपन है हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को हमें इंपॉर्टेंट है फिर कोई भी ज़रूरी है तो हम इसे क्या करना चाहते हैं, वो अगर हमने इसे बिना सेव किए क्लोज कर दिया। जैसे हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे यानी यहाँ पे डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं, ये क्लोज हो गया। उसके बाद हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे यानी यहाँ पे हमें टाइप करना है विन वर्ड। विन वर्ड टाइप करने के बाद ओके कर देंगे, यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया एंड यहाँ से ब्लैंक शीट ले लेंगे। ब्लैंक शीट लेने के बाद हमने जो अभी बिना सेव किए डाटा लाने के लिए, तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल ऑप्शन पे, उसके बाद इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद मैनेज डॉक्यूमेंट पे जाएंगे एंड यहाँ पे रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला था वीडियो प्रिव्यू, तो उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ये आ गया, हम इस पर सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम उस डाटा को दोबारा सेव कर सकते हैं। अगर सेव करना चाहें, नहीं सेव करना चाहें तो आप इसे यहाँ से कैंसिल कर दो। अगर आपके काम का तो आप इस सेव कर सकते हो, ये पूरा 3 पेजेस का दिख रहा है। अगर आप इस सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं। व्यू करना, यहाँ पे अलग अलग टाइप है व्यू टाइप, वो देख सकते हैं। हमें यहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं, कुछ फाइंड करना तो फाइंड कर सकते हैं एंड इसको सेव करना तो यहाँ पे सेव एज ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम दोबारा उसे सेव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।